हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अभी मैं हूँ दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पे और ये जयपुर लाइन का मेन स्टेशन है, मतलब इम्पॉर्टेंट स्टेशन है। यहाँ पे काफ़ी ट्रेनों के हॉल्ट होते हैं और आज की जो जर्नी करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ पूजा सुपरफास्ट में। इसमें पहले भी की है, अच्छा रिस्पॉन्स दिया था आपने। इसका ट्रेन नंबर है 12413 और साथ में मेरे ट्रैवल कर रहे हैं वरुण भैया और साथ जाएंगे जलंधर कैंट तक। दिल्ली कैंट से जलंधर कैंट में जर्नी होगी, पहले लेंगे यहाँ से अराइवल ट्रेन का, फिर डिपार्चर लेंगे पुरानी दिल्ली में, वहाँ से लेंगे लोको का रिवर्सल, लोको दिखाएंगे, फिर पूरी जर्नी ओवरनाइट जर्नी होगी, पूरी जर्नी देखने को मिलेगी आपको। आप बस जर्नी में बने रहे, मिलते हैं सीधा वरुण भैया को आने, तो वरुण भैया से मिलवाते हैं फिर आपको। तो दोस्तों, मैं जिसके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ उनकी फेवरेट ट्रेन है, साथ में है मेरे वरुण भाई, वरुण तनोत्रा आई आर एफ। इनका चैनल आपने पहले भी जर्नी इसमें देखा होगा जी। तो गाइस, कैसा लग रहा है आपके रेलवे अंकुश फैमिली के, कैसे हाल है भाई? आप लोग पहले बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी जर्नी अभी भाई के चैनल पे, आपकी फेवरेट ट्रेन, अपनी फेवरेट ट्रेन पूजा सुपरफास्ट की, और हाँ मेरे साथ साथ भाई की फेवरेट हो चुकी है यार, क्योंकि इसको चक्कर बता गया। जब से मैंने ट्रैवल किया ना, इसमें जो भागती है ये पुरानी दिल्ली और करनाल के बीच में, फिर ये जब तक 130 का पैच क्या भागती है, मज़ा आ जाता है। ये गाड़ी चीज़ ही अलग है भाई, बेशक थोड़ी भीड़ होती है, लेकिन ये मैं ये चाहता हूँ कि जब ये कश्मीर का रूट खुले, इसे कश्मीर तक एक्सटेंड करें। अब पता है लोग ये सोचते हैं कि ट्रेन लेट चलती, जो भाई सर्दियों में ज़्यादा ट्रेन लेट रहती है, इसका लंबा रूट है इसलिए तभी ये लेट होती है, लेकिन उसके अलावा गाड़ी भाई ताबड़तोड़ है। आप लोग ट्रैवल करेंगे ना खुद से जान जाएंगे। बाकी भाई के चैनल में जर्नी अभी सपोर्ट करना है, तो डिस्प्ले हो गया है नंबर, जर्नल क्लास में जर्नी है, तो चेकआउट सारी जर्नी करना है, बीच में मत भागना। तो मिलते हैं सीधा ट्रेन के अराइवल पे। साथ साथ आपके लिए यूट्यूब पे कंटेंट भी ला रहा है, दोनों चीज़ कर रहा है। अब आप भी समझते होंगे दो नाव में पैर फंसाना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी कर रहे हैं क्योंकि फुल टाइम यूट्यूबर नहीं है, ये भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, चलेगा जैसे भी, देखेंगे आगे फुल टाइम भी करेंगे, वरना साथ साथ जॉब भी करनी पड़ती सारी चीज़ें। बट हाँ, आप लोगों के लिए कंटेंट की कमी नहीं रहेगी, मेंटेन करके चलना पड़ता है हर चीज़ को, तो हम मेंटेन करके चल रहे हैं दोनों भाई। जैसे अब आप जितना सपोर्ट रखोगे दोनों को, उतने हम रेगुलर भी हो जाएंगे आपके कारण। तो आप सीधा मिलते हैं ट्रेन के अराइवल पे, आप जर्नी में बने रहें बस। दोस्तों, सामने आ रही है पूजा सुपरफास्ट अजमेर जम्मू तवी, फास्ट अराइवल ले रही है दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पे। देखते हैं लोगों कौन सा है, मैंने ऑनलाइन चेक किया तो बेस्ट टाइम लग के आ रहा है। फास्ट ड्राइवर लिया है वेफ 7 के साथ, वही लोगो नंबर है जो मैंने ऑनलाइन चेक किया था, सेम लोगो आया है। क्या पैक आई है गाड़ी। चलो मैं करता हूँ बोर्ड, ट्रेन है, सीट लेनी है, उसके बाद यहाँ से डिपार्चर देखते हैं। हमारा डिपार्चर हो गया दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से, और भीड़ मतलब कि सीजन नहीं है ना, तो इतनी पैक भी नहीं चल रही ट्रेन, नॉर्मल सीट मिल गई हमें। यहाँ वरुण भैया बैठे हैं सामने और बात कर रहे हैं, मतलब कि घर पे। तो बाकी देखते हैं यहाँ से डिपार्चर, आगे मिलते हैं आपको पुरानी दिल्ली में। दोस्तों, हमारा डिपार्चर हो गया है दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से, और क्या ख़तरनाक पिकअप पड़ा है WAP-7 ने गाज़ियाबाद के, और फ्लैट व्हील साउंड दे रहा है। दोस्तों, ये सामने लोको जो आ रहा है ये लगेगा अभी हमारी ट्रेन में, देखते हैं कौन से शेड का है और कौन सा लोको है। WAP-7 है TKD शेड का, ये लगेगा अभी। दोस्तों, हमारी थोड़ी देर में क्रॉसिंग होने वाली है 12030 सुरन जयंती शताब्दी अमृतसर नई दिल्ली, वो सामने आपको उसकी लाइट दिख रही होगी, जैसे ही आती है तो लेते हैं उसकी क्रॉसिंग।
बढ़िया ट्रेन है, सुपरफास्ट ट्रेन है, इस रोड की बढ़िया एकदम प्रीमियम गाड़ी है, प्योरिटी वाली गाड़ी है, इसलिए सारी मैं दिखा नहीं सकता आपको। तो दोस्तों हम राइड कर रहे हैं करनाल, हम दिल्ली से 123 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, और क्या भगा के लाया है भाई साहब, पार्किंग की है एक से एक अभी, और ये जिसकी टेल लाइट आपको दिख रही है ये खड़ी है संबलपुर जम्मू तभी, अब देखते हैं किसे यहाँ से छोड़ दें, क्योंकि हमारी सुपरफास्ट है, हमें हमें प्योरिटी है। ये खड़ी सामने, डिपार्चर करनाल से और हमें प्योरिटी दी है संबलपुर जम्मू तवी से पहले, हमने यहीं पे ओवरटेक किया है इसे, क्योंकि उसे लूप कर दिया था, तो मुझे 90% तो कंफर्म था कि ओवरटेक यहीं पे करवाएंगे, और अब सिर्फ जम्मू मेल रह गई हमारे पीछे जो जिसको एक्सटेंड किया गया है सुबेदारगंज तक, हम वो उसको भी कहीं ना कहीं ओवरटेक करेंगे, और इसमें लगा है करनी वेब 7 टिकट ही झटका। सही बताऊँ तो वैसे जो 130 में मज़ा आता है ना वैसा मज़ा तो नहीं आया, पर यहाँ पे प्योरिटी देखने को मिली कि इस गाड़ी को NR कितनी प्योरिटी दे रहा है।
दोस्तों सामने आपको एक ट्रेन की लाइट दिख रही होगी, वो है श्री माता वैष्णो देवी कटरा सूबेदारगंज 14034 जम्मू में। अभी अभी दो दिन ही हुए हैं एक्सटेंड किया गया है प्रयागराज के सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन तक। पैरेलल चल रहा है हमारा, अम्बाला टेंट में अराइव्ड कर रहे हैं पैरेलल के साथ। है तो मालगाड़ी सामने चल रही है लेकिन ट्विन CMT लगे हुए हैं इसमें। ये सामने CMT जा रहा है और ये सामने खड़ी है जम्मू तवी अजमेर 12414 पूजा सुपर हाई। देखते हैं कौन सा लोगो लगा है। गाजियाबाद का 37156 7 भाई साहब पैकड है ये गाड़ी पूरी। तो दोस्तों डिपार्चर ले नहीं पाया, वो एक्चुअली ना मैं खाना खा रहा था तो इस चक्कर में बस, तो डिपार्चर ले लिए। अब यहाँ से पिकअप देखो F7 का।
चंडीगढ़ वाला है, जो कि हेमकुंड एक्सप्रेस सर पश्चिम में वो ये वाला रूट लेती है। होशियारपुर एक्सप्रेस से यही रूट लेती है। क्लियर लाइन नहीं है, रेड सिग्नल दिया हुआ है हमें, और जम्मू राजधानी को मेन लाइन ग्रीन कर दिया डाउन वाली। आपको विजिबल नहीं होगी लेकिन मुझे विजिबल हो रही है, सामने येलो लोको की लाइट दिख रही है मुझे जम्मू राजधानी के। बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो चलो जैसे जम्मू राजधानी आती है लेती है, लेते हैं उसकी क्रॉसिंग, तो मिलते हैं उसके बाद सीधा लुधियाना में। तो दोस्तों हमारा डिपार्चर हो गया है सानेवाल से, और सामने लाइट दिख रही होगी आपको जम्मू राजधानी की, जो कि 130 पे आ रही है। नंबर फुल 130 फ्लैट। कर रहे हैं, वो सामने खड़ी है उत्तर संपर्क क्रांति 1246 गाजियाबाद के मैक्स सेवन के साथ 30,643। भाई साहब क्या पैक चल रही है ये गाड़ी, जर्नल में पांव रखने की जगह भी नहीं है।
दोस्तों हमारा डिपार्चर हो गया लुधियाना से और सामने खड़ी है जम्मू तुरंतो, ये हमारे पीछे पीछे यहाँ पे आ गई है। तो चलो मिलते हैं आगे, फिलौर का स्किप लेते हैं इसके बाद सीधा। दोस्तों ये सामने आपको ग्रीन सिग्नल दिख रहा होगा मेन लाइन पे, और हम फगवाड़ा में खड़े हैं और पीछे से आ रही है जम्मू दुरंतो जो कि हमें यहाँ ओवरटेक करेगी। और इन भाई साहब की ट्रेन को लग रहा है ओवरटेक, और इन भाई साहब की शक्ल देखो हमारे वर्मा की शक्ल बन चुकी है कि फिजूल का ओवरटेक है। अरे भाई कोई बात नहीं, फिजूल का कोई नहीं, ट्रेन अपनी बढ़िया है, ट्रेन से ओवरटेक कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ओवरटेक मिलते भाई काफी गाड़ियों को, एक ही भाई साहब मिस कर चुके हैं ज्योति गार्ड की ऋषि के से ना। हाँ उसका एल को लगा था उसमें, लेकिन उसके अलावा बढ़िया नहीं बना। चलो देखते हैं कि क्या होता है, अभी तक तो आई नहीं, देखो दिखी भी नहीं है अभी तक। तो मैंने ट्रैक तो कर रहा था, एक स्टेशन पीछे ही थी, चलो जैसे ही आती है ओवरटेक लेते हैं उसका। तो दोस्तों आपको विजिबल हो रही होगी जम्मू दुरंतो, ये आ रही है पीछे जो कि हमें ओवरटेक कर रही है, फुल 110 पे आ रही है। तो बताना कैसा लगा ये ओवरटेक। तो दोस्तों ये सामने जो आपको ट्रेन की लाइट दिख रही है, ये है जम्मू तवी गुवाहाटी अमरनाथ एक्सप्रेस जो कि हमें क्रॉस कर रही है चेहेडू पे।
तो जिनको भाई जम्मू तक जाना है तो ऐसी कंडीशन मिलेगी अभी के हाल में, क्योंकि सीज़न नहीं है, तो मतलब जा सकते हो। हम तो यहाँ डिपोर्ट कर रहे हैं, जिसको जाना है तो जलंधर कैंट वाले यहाँ से डिपोर्ट करके तो देख लो ऐसी हालत है कुछ। तो डिपार्चर हो गया है पूजा का जलंधर कैंट से। यही वाला कोच था हमारा, तो चलो ठीक है अभी करते हैं वीडियो को एंड। तो दोस्तों एक चीज़ बतानी मैं भूल गया था कि इस ट्रेन में दो कोच थर्ड ए सी इकोनॉमी में के भी लग चुके हैं, जो कि सही किया गलत किया पता नहीं, पर मुझे पसंद नहीं है ये चीज़, क्योंकि आप उत्तर संपर्क क्रांति को पहले ही इकोनॉमी भर के चला रहे हो, तो इसमें इतनी अच्छी खासी गाड़ी को भी तुमने इकोनॉमी दे दी है, तो गलत चीज़ है थोड़ी सी लगी मुझे। तो आप अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो कि आपको क्या लग रहा है, सही लग रहा है या गलत। तो दोस्तों मैं अब जलंधर कैंट पहुंच गया हूं, और जब मेरे पीछे नई नवेली झेलम एक्सप्रेस एलएचबी ने अपने नए लुक में आई है, अभी अभी लेट चल रही है, श्री शक्ति आगे निकल गई है, वरना ओवरटेक करती है ये अंबाला के बाद गई। तो मैं नहीं आज बताऊंगा कि कैसी लगी जर्नी, आज बताएंगे जिनकी फेवरेट ट्रेन है वो। तो आप बताओ कैसी लगी जर्नी। तो जर्नी तो काफ़ी बढ़िया रही है भाई, पूजा एक्सप्रेस आपने देखा ही होगा काफ़ी बढ़िया रफ्तार में भागी है, हमेशा की तरह बढ़िया जर्नी थी, अब कंफर्टेबल पता भी नहीं चला कब पहुंच गए, हम तो ये बात कर रहे थे साहब पता ही नहीं चल रहा कब हम कहाँ पहुंचे जा रहे हैं भाई, इतनी बढ़िया जर्नी रही है। जो भगा के लाया है, जो 130 पे पूरा रखा है इसने मीटर दबा के,
बहुत सही। मैं कहता हूँ सलूट द लोको पायलट जो 130 पे मेंटेन रख रहे हैं। क्या ही ट्रैक साउंड आया, क्या जर्नी रही है, बहुत अमेजिंग भाई। अब जनरल जैसा सफर लगा ही नहीं, एकदम कंफर्टेबल, बढ़िया पहुंच गए। क्योंकि ना अभी रश नहीं है इस रूट पे, ये वैष्णो देवी वाले का सीजन नहीं है। जब सीजन होता है तो भीड़ इतनी होती है इस ट्रेन में, डिमांडेड ट्रेन है जम्मू के लिए। जनरल में कोच में साफ सफाई भी ठीक थी, लेकिन वॉशरूम दो होते हैं जो हमारी सीट के पास, उसमें एक वॉशरूम बहुत खराब था, एक यूज करने लायक था। वो तो देखो लोगों पे डिपेंड होता है, रेलवे वाले साफ सफाई करते हैं। और मैंने देखा जनरल के हिसाब से फ्लोर भी साफ था, सीट्स भी सही थी। तो यार लोग जो गंदा करते हैं ना उनको सुधरना पड़ेगा, फ्लश के लिए दिया है सब कुछ। वही मैंने तो आपको पहले ही बोला ना कि लोगों के ऊपर है कि ट्रेन को कैसे साफ लोग करते हैं, फिर बदनाम रेलवे को करते हैं। तो वो चीज़ सही है, इंडियन रेलवे बहुत बढ़िया है, सब कुछ करता है। तो यार थोड़ा लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा। वही चीज तो आप सब बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी जर्नी। और जम्मू दुरंतो ने एक ओवरटेक मारा, दो ओवरटेक हमने मारे हैं, ठीक है। एक मारा हमने उसको, क्या नाम है, हमने तीन मारे, एक मैं ले नहीं पाया। एक मारा संबलपुर जम्मू तभी को और एक मारा नेताजी को, हमने दोनों लिए हैं। वो दोनों बताना कैसे, देख के बताना कैसे लगे आपको कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं और आने वाली ऐसी नई जर्नी में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।